ये है आपका नेबर कंट्री इंडिया। ओह माय गॉड, इंडिया इतना आगे हमसे, वो तो हमें है पता है, लेकिन इंडिया मतलब... की इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी। हाँ ये तो वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं। सिटी गेस करें कौन सा हो सकता है? ये फिर मुंबई होगा। मुंबई तो इससे भी ज्यादा डेवलप है। ये दिल्ली? नहीं, ये गुजरात। ओह माय गॉड, अच्छा चाइना? चाइना। कोरिया? कोरिया। अमेरिका? यूएस नहीं है। फिलीपीन? गेस करती जाए मैं बस। गेस करती जाऊँ? फिलीपीन नहीं। मलेशिया? नहीं। वियतनाम है? नहीं। कंबोडिया? नहीं। क्या लगता है किस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है? ये दुबई। दुबई, क्योंकि यकीनन दुबई काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से डेवलप है, लेकिन ये दुबई नहीं है। नहीं है, क्योंकि उधर तो ज़्यादा बिल्डिंग है। तो ये एशिया में है। एशिया में कौन सा कंट्री हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? शुक्र अल्लाह का, आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जो मेरा टॉपिक है ना, उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि एक वीडियो प्ले करेंगे और आप लोगों ने ये गेस करना है कि ये कौन सी कंट्री है, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले तो एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने ये गेस करना है कौन सा मुल्क हो सकता है। ओके, एक गेस करना है जी। ये तो कंट्री गेस करनी है। ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एक ही कंट्री है? एक ही कंट्री है। पहले आप गेस करें, फिर मैं आपको क्लू भी दे देता हूँ इसमें ना। ये देखिएगा वीडियो। आप मुझे कोई ऑप्शन देंगे? बिल्कुल मैं ऑप्शन दूंगा, पहले आप गेस करें ये कौन सी कंट्री हो सकती है। क्या लगता है किस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है? ये दुबई। दुबई, क्योंकि यकीनन दुबई काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से डेवलप है, लेकिन ये दुबई नहीं है। नहीं है, क्योंकि उधर तो ज़्यादा बिल्डिंग है। तो ये एशिया में है। एशिया में कौन सा कंट्री हो सकता है? अच्छा जी, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है एक वीडियो से रिलेट। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा और आप दोनों ने ये गेस करना है ये कौन सी कंट्री हो सकती है, ठीक है? चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये देख के बताइएगा कि ये कौन सा मुल्क हो सकता है। इसमें तो इतना क्लियर भी नहीं हो रहा। ये दुबई? दुबई, दुबई, दुबई लग रहा है। या ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दुबई है। दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। दे दूं? चाइना? हाँ दे दे। ये हमारे आसपास है, आसपास से मुराद की एशिया में है। हाँ? ये कौन सा मुल्क है? जापान? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दो। सिंगापुर है, इंडिया है, जापान? जापान। जापान लग रहा है। लॉक कर दूं? सिंगापुर। सिंगापुर लॉक कर दूं मैंने? हाँ, है है। कर दे। ये है आपका नेबर कंट्री इंडिया। ओह माय गॉड, इंडिया इतना आगे हमसे, वो तो हमें है पता है, लेकिन इंडिया मतलब... की इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी। हाँ ये तो वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं। सिटी गेस करें कौन सा हो सकता है? ये फिर मुंबई होगा। मुंबई तो इससे भी ज्यादा डेवलप है। ये दिल्ली? नहीं, ये गुजरात। ओह माय गॉड, अच्छा चलो, अच्छी बात, अच्छी बात। बताएं कौन सा मुल्क है? ये देखने के बाद ही पता चलेगा। जी जी, देखो कनाडा है। कनाडा? आपको क्या लगता है? देखने दो एक मिनट। जी जी, आप बताएं कौन सा मुल्क हो सकता है? ये दुबई हो सकता है। दुबई हो सकता है। आपको क्या लगता है? दुबई हो सकता है। दुबई। चाइना? चाइना। कोरिया? कोरिया। अमेरिका? यूएस नहीं है। फिलीपीन? गेस करती जाए मैं बस। गेस करती जाऊं? फिलीपीन नहीं। मलेशिया? नहीं। वियतनाम है? नहीं। कंबोडिया? नहीं। मैं बताऊं? हाँ। जो आपने सबसे पहले बताया था ना इंडिया, हाँ। ये इंडिया है। इंडिया तो मैंने सही बताया था, तो उस टाइम आपने कहा नहीं ये नहीं है। मैंने पूछा कि क्या लगता है इंडिया है? आपने फिर नेक्स्ट बताया। मैंने कहा हाँ लगता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इंडिया का सिटी गेस कर सकती है कौन सा हो सकता है? ये मुंबई है। नहीं, मुंबई तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये भी दिल्ली है? ये है गुजरात। गुजरात, ओ ओके। अच्छा वैसे ये अगर एशियन, सिंगापुर, जापान, इंडिया? जापान। जापान, नो डाउट, जैसे कि जापान भी बड़ा डेवलप है, लेकिन ये है आपका नेबर कंट्री इंडिया। ये इंडिया है? हाँ जी। इंडिया। शॉक्ड हो गई आप?
आप अभी इंडिया का एक सिटी देख रही हैं, इंडिया के बहुत सारे सिटी डेवलप हो चुके हैं, इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। सबसे पहले तो आप बताएं कि एज अ स्टूडेंट इंडिया के बारे में क्या थॉट रखती हैं? मैं कैसे लोग हैं वो? हर तरह के लोग पाए जाते हैं हर कंट्री में, अच्छे भी होंगे इंडिया में भी, बुरे भी होंगे। ठीक है, वैसे अगर कभी आपको इंडिया विजिट करने का मौका मिले, कहाँ विजिट करें? और मुझे उसका कौन सा एरिया देखने का है? मुझे तामिल वाले जो उनके एरिया से क्या नाम बोलते हैं उनको पता नहीं है, हैदराबाद भी देखने का, तमिलनाडु, हाँ वो जगह देखने का शौक है। उसके अलावा वहाँ का गोवा, गोवा भी देखने का शौक है। आगरा, मतलब इंडिया मुझे देखने का शौक है, वैसे फूड क्या पसंद है आपको? मुझे वैसे सारे, मैं बहुत फूडी हूँ। इंडिया के? इंडिया के कुछ कभी नहीं ट्राई किया, बस बहुत स्पाइसी होता है। डोसा है, पानी पूरी है, कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया वैसे कोई, लाइक आपको अच्छा लगता हो? लेकिन मैंने ये सुना है कि स्पाइसी होते हैं फूड इनके। आपको कोई इंडियन फूड पसंद है? कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया, ट्राई नहीं किया। अच्छा वैसे आप मतलब यंग हैं और क्या थॉट रखती हैं, स्पेशली बात करिए इंडिया के बारे में, अगर इंडिया की जब भी सोच आए कैसे लोग हैं वो लोग? इंडियंस लोगों के बारे में इतना खास सोचते ही नहीं है, मतलब कुछ मतलब अच्छे भी हैं। जनरेशन की थोड़ा नॉलेज रखती है, थोड़ा सेंस रखती है, नेगेटिव है, क्या सोच है? कुछ की पॉजिटिव सोच है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट है। तो हम लोग इंडियन ड्रामे पहले खैर देखते थे, अब तो मूवीज तो इंडियंस देखते हैं हम लोग जी। खासतौर पे आजकल जो पंजाबी उनकी जो सिनेमा है उन्होंने तो टेक ओवर किया हुआ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त मूवीज होती हैं, लाइक करते हैं लोग। हाँ तो मुझे ना उनके पंजाबी लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। यानी अगर कभी मौका मिले पंजाब को स्पेशली विजिट करेंगे? वो अच्छे लोग हैं, अच्छे वो अच्छे लोग हैं। इंडिया के किन सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे आप? मैं दिल्ली जाऊंगी। दिल्ली जाएंगी? दिल्ली जाऊंगी। अच्छा वहाँ का कोई फूड जो आपको बड़ा पसंद हो? उनका ट्रेडिशनल, उनकी जो बासमती की वो बनाते हैं चावलों के साथ रोटी बनाते हैं, वो प्लेटर एक तरह से हम वो थाली में ना, नहीं वो जिस तरह पत्ता नहीं होता पान का भरा वाला, उसके अंदर वो चावल और डिफरेंट डिशेज रखी होती हैं, उनकी थाली उसे कहते हैं वो बेसिकली। इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, तो मतलब जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो लोग होंगे। ठीक है, तो हम भी काफ़ी चीज़ों में उन्हें बुरा समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोग चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अच्छा लास्ट पे मुझे सिर्फ ये बता दें कि कभी आपको विजिट करने का मौका मिले, एक्सप्लोर करने का मौका मिले इंडिया को, तो किन सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगी? मैं जो उनके अच्छे सिटीज़ हैं सबको ही एक्सप्लोर करूँगी। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, आगरा है। मैं मुंबई और दिल्ली को करूँगी। बेंगलोर? नहीं, मैं गोवा को भी करूँगी। गोवा को भी करूँगी। अच्छा वैसे कोई खाने पीने के लिहाज से अगर बात करें, फूड आपको उनका कौन सा पसंद? मुझे उनके मोमोज खाने हैं। मोमोज तो पाकिस्तान में हैं लेकिन उस तरह के नहीं है ना जैसे वो दिखाते हैं। अच्छा बिल्कुल, यानी कि वो ओरिजिनल टेस्ट करने के लिए इंडिया जाना चाहिए। इंडिया जाना। सिंगापुर, जापान, इंडिया? ये जापान है फिर। जापान? जापान। सिंगापुर? सिंगापुर। ये इंडिया है? ये इंडिया है। इंडिया है इतना कहते हैं इंडिया इतना खूबसूरत, हमारी माम को पता ही नहीं, कभी इन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, इन्होंने कभी सर्च ही नहीं किया कि दुनिया में इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, दुनिया के कई बड़ी जगहों पे वो अपने सीईओ उनके हम देख रहे हैं, लेकिन क्या वजह है आज तक हमें ये नॉलेज क्यों नहीं मिला, क्या वजह हम लोग क्यों इतना पीछे हैं? हमें तो बस ये लगता है कि इंडिया हमारे से बहुत पीछे है, ऐसे ही लग रहा है आपको? नहीं भाई, अभी ये वीडियो देखा है, इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, बहुत, ये तो दुबई के बराबर लग रहा है भाई, देखा ऐसे भी ग्रास लग रहा है, देख रहा है सर। ये इंडिया का एक सिटी है, इंडिया का इस टाइम हर बड़ा सिटी जो है वो इसके बराबर है, इससे भी आगे जा चुका है। वाकई ये मुल्क तो बना नहीं हमारा भाई, हमने कभी ऐसा वीडियो में देखा भी नहीं। जी हाँ सही बात है।